समाज की एकता और अखंडता को टिकाने के साथ बदलते समय के साथ समाज के हर वर्ग को नई दिशा देने के उद्देश्य से गठित राजपुरोहित युवा मंच नवी मुंबई की कार्यकारिणी द्वारा साल के नए कैलेंडर का विमोचन घनसोली स्थित श्री खेतेश्वर मंदिर में किया गया, जहां समाज के नवी मुंबई संरक्षक अरविंद सिंह राजपुरोहित, युवा मंच के अध्यक्ष श्याम सिंह राजपुरोहित सह कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। इस कैलेंडर विमोचन के पश्चात समाज की बैठक सम्पन्न हुई, जहां कार्यकारिणी के माध्यम से आने वाले समय में शिक्षा, कला, क्रीड़ा और संस्कृति से जुड़े विविध कार्यक्रमों के आयोजन पर विचार विमर्श कर आम सहमति के साथ विविध निर्णय लिए गए। इसी को लेकर नवी मुंबई संरक्षक अरविंद सिंह राजपुरोहित और युवा मंच के अध्यक्ष श्याम सिंह ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। युवा मंच के द्वारा होली के स्नेह मिलन कार्यक्रम की तारीख 26 मार्च तय की गई है। उसका निर्णय एक दो दिन में फिर से विचार विमर्श करके तय कर दिया जाएगा। सारे कार्यकर्ता, सारे समाज के अपने लोग, सारे युवा मंच की टीम एकजुट होकर इस कार्यक्रम को कैसे अद्भुत और विशाल और बड़ा बना सके और इस कार्यक्रम की सब जगह अच्छी रूपरेखा से काम कर सके, वैसी हमारी आशा है। और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और पहले बहुत सारे कार्यक्रम किए, उससे भी ये कार्यक्रम ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सुंदर करने का प्रयास करें। युवा मंच की तरफ से 2023 के कैलेंडर का आज विमोचन हुआ है। किसी कारण से थोड़ा सा उसमें देरी हुआ है, दोबारा ऐसा ना हो ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। और युवा टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अच्छे कैलेंडर को अच्छे तरीके से समाज में पूर्ण रूप से अच्छा वितरण करें। युवा मंच काफ़ी दिनों से सुस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन कोरोना की वजह से बिल्कुल ही सारे कार्यक्रम बंद करने पड़े। सारे जो टीम हमारी बनी हुई थी वो काफ़ी बिखर गई और उसको वापस एकत्रित किया गया है और डबल जोश से वापस मैदान में उतारा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये और शक्तिशाली बन के उभरेगी। बोलो खेतेश्वर भगवान की जय। राजपुरोहित युवा मंच नवी मुंबई की स्थापना 2009 में हुई थी, उसके बाद राजपुरोहित युवा मंच का वार्षिक कैलेंडर, वॉल कैलेंडर पहली बार डिसाइड किया था मीटिंग में दिसंबर के आसपास, और जनवरी जाते जाते उसको फाइनल किया और आज विमोचन का दिन था। कमेटी के अथक प्रयासों से और संरक्षक समिति के संरक्षण में इस कैलेंडर का आज विमोचन किया गया। मैं सारी समाज का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आगे के सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए जो भी आज समाज ने और नक्की किया है उसके बारे में कमेटी मीटिंग में डिसाइड करेंगे, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे और उसके बाद समाज को आगे बताएंगे उसके बारे में कि इस तरीके के सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जब से चालू हुआ तब से युवा मंच के 2-3 प्रोग्राम हुए हैं, उसके बाद आगे का यह सांस्कृतिक प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद आगे की रूपरेखा समाज को बताई जाएगी। ब्लड डोनेशन करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहन देंगे और जैसे जैसे कमेटी के अंदर नक्की किया जाएगा उस तरीके से आगे सारे बताया जाएगा समाज को। पहले भी युवा मंच के अध्यक्षों ने और कमेटियों ने अथक प्रयास करके सारे प्रोग्रामों को सफल किया है और आज जो समाज की जाजम पर जो शब्द डिसाइड हुए हैं उसको पूर्ण करने की मेरी कमेटी और हम अथक प्रयास करेंगे। ब्यूरो इनपुट, ईडब्ल्यू नेटवर्क।